सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर है डिफरेंशिएशन, तो मैं टॉप 50 इंटीग्रेशन चैप्टर पे भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप यदि ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इंटीग्रल पे भी जाकर आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ आपके लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये रिपीट आते हैं। मे भी हो सके तो मैं जो भी डिस्कस किया 2023 में रिपीटेशन हो जाए। तो आई होप कि आप इस सभी को प्रैक्टिस करके जाएं एग्ज़ाम में, तो आपका रिजल्ट अच्छा है। चलिए मैं डिफरेंशिएशन पे टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कॉस साइन एक्स का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अब अगर बात करते हैं पेपर का क्लास 12th का, तो सेट वाइज सेट रहते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सेट वन में इतना सारा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, सभी सेट का कंबाइन करके मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन भी रहते हैं, तो अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन का दो क्वेश्चन है, तो उसमें और करके भी रहेंगे, दोनों ऑप्शन है दोनों में से, तो उस सब सारे को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कैसे डिस्कस करेंगे, तो आप खुद से कर चुके होंगे, ये अच्छी बात है। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे y इक्वल टू कॉस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस, तो ये समथिंग मान लीजिए x है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अगेन अगर मान लीजिए कॉस 2x का डिफरेंशिएशन होता, तो इसको करते थे क्या माइनस साइन 2x, और 2x का फिर से डिफरेंशिएट करते थे, तो कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर को, क्लियर नाउ, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का डिफरेंशिएशन अब ये पावर में है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ साइन एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का पावर एम का डिफरेंशिएशन, या फिर एन रहता था तो क्या लिखते थे एन, एक्स का पावर एन माइनस वन, तो इसका डिफरेंशिएशन टू साइन एक्स, और फिर अगेन साइन एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू साइन एक्स, अगेन डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये मैं कहाँ पे मिस्टेक, आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं वो सब कुछ डिस्कस करता हूँ मैं आप लोग को, तो ऐसा मत कर लीजिएगा, ठीक है ना। साइन एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन देखूँ, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये प्रोसेस है, ना कि ये मेथड से आप लोग जाइएगा, तो ये रॉन्ग है यहाँ पे। तो मैं लिखूँगा क्या माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे कॉस एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ एक्स का पावर वाई इंटू वाई का पावर एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एक्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये भी 2020 में आ चुके हैं। तो देखिए कैसे करें, तो प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको माइंड में आ गया होगा कि आखिर करना क्या है इसमें। लॉग अप्लाई करना होगा, जब तक लॉग नहीं अप्लाई करेंगे दोनों साइड ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग एक्स वाई, वाई का पावर एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का पावर एक्स, ठीक है। अब प्रॉपर्टी मालूम है, लॉग एम एन रहता है, तो क्या लिखते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, तो यहाँ x इंटू वाई है ना x, तो ये मैं लिखूँगा log x का पावर y प्लस log
वाई का पावर एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का पावर एक्स। एक और प्रॉपर्टी है, यदि लॉग एक्स स्क्वायर रहे तो ये टू इधर लिख सकते हैं, टू लॉग एक्स, ये भी कर सकता हूँ। तो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी भी बेस्ट क्वेश्चन था। लॉगरिथम पे आगे और भी क्वेश्चन करवाऊँगा, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में अगर बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो लॉगरिथमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एवरी ईयर लॉगरिथमिक से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y log x प्लस x log y इक्वल टू x log x। नाउ अब देखिए सबको अलग अलग क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ y log x के, तो भाई चैन रूल, इसको u मान लेंगे, अब v मान लेंगे इसको, तो y d ऑफ dx किसका log x प्लस log x को अब रखेंगे और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ इसको वही फिर से चैन रूल, तो x रखूँगा और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, या फिर x log y में क्या कर सकते हैं, log y को बाहर निकाल लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। x d ऑफ dx ऑफ log y, अब log y को बाहर लूँगा और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वल टू, इसको अगेन वही चीज़, x d ऑफ dx ऑफ log x, अब log x को बाहर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग x को। तो ये अब देखिए y log x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई एक्स log x तो पहले से ही है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा d बाई अपॉन डी एक्स प्लस x, अब log y का डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होंगे, तो log y का डिफ्रेंशिएशन वही हो जाएगा log y ही, ठीक है, और y को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, तो ये तो हो गया, प्लस इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट log y और x का डिफ्रेंशिएशन 1, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, log x x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसको और इसको एक साथ रखेंगे, बाकी सभी चीज़ को ट्रांसफ़र कर दूंगा उस टाइप उस साइड, ये x x तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे log x बचेंगे, यहाँ पे x log y बचेगा इक्वल टू 1 प्लस log x पहले से है, ये आ जाएगा y अपॉन x इधर माइनस में, और अगेन क्या बच जाएगा इधर log y, तो ये भी आ जाएगा, तो माइनस log y, अब ये जो भी है मल्टीप्लाई में उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या में चले जाएंगे डिवाइड में। तो करते हैं, मैं अब कहाँ पे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये सारा जो लिख देंगे 1 प्लस लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग वाई, ठीक है, तो यही आंसर आ गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ इसलिए क्योंकि देखिए मैं log y का तो डिफ्रेंशिएशन किया ही नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा log y का डिफ्रेंशिएशन करना है, देख लीजिए यहाँ पे d ऑफ x के रिस्पेक्ट में log y का डिफ्रेंशिएशन, तो log y का डिफ्रेंशिएशन तो 1 बाई वाई होगा ही, लेकिन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो अगेन y को फिर से करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये आएगा, तो मैं यहाँ पे तो लिख दिया गलत, ये x अपॉन y यहाँ हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं यहाँ से log x, यहाँ बचेंगे क्या x अपॉन y, अब ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये x log y की जगह x अपॉन y,
तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो जल्दीबाजी में थोड़ा सा बहुत हो जाता है मिस्टेक सभी से, तो एग्ज़ाम में आप लोग फोकस करके सॉल्व करिए, ऐसा नहीं कि आया हुआ क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए तो अफसोस होते हैं, आप कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या है, वाई इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, मे बी कुछ चेंजिंग करके ऐसा दे दे एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप मैच कर लीजिए, माइनस टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ये खुद से कर लीजिए, डू योर सेल्फ, सेम प्रोसेस है। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, एक्स दिए हुए हैं और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी दो बार डिफ्रेंशिएशन करना, कैसे करें सॉल्व करें। चलिए, एक्स है ए सेक क्यू थीटा और वाई है ए टैन क्यू थीटा, क्या करेंगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स, सॉरी अब यहाँ पे फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट भी थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो ए, अब सेक क्यू थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करें, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, सेक क्यू थीटा है तो इसको लिखेंगे सेक थीटा का क्यू, तो थ्री सेक स्क्वायर थीटा, अगेन सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो मैं यहाँ लिखूँगा थ्री सेक स्क्वायर थीटा, अगेन सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये सब प्रैक्टिस आप लोग कर लिए होंगे, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, अगेन वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, तो ए पावर में थ्री है तो थ्री टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। चलिए नौ आगे क्या कर रहे, तो थ्री ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक सेक क्यू थीटा इंटू टेन थीटा, इसको लिखेंगे थ्री ए टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अब दोनों को अब लाना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो थ्री ए टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन थ्री ए सेक क्यू थीटा इंटू टेन थीटा, थ्री ए से थ्री ए कैंसिल, एक टेन थीटा से टेन थीटा सेक स्क्वायर से, तो बच गया क्या, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा को लिख सकेंगे वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल क्या आ गया साइन थीटा, तो अब ये थीटा से डी थीटा कट गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स आए हैं आपके साइन थीटा, अगेन डिफ्रेंशिएट करूँ तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आंसर आ गए। तो सिमिलर क्वेश्चन है क्या, इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा, पूछेंगे आपसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये आप खुद से करिए। क्वेश्चन फोर्थ में है कि यदि y का वैल्यू दिया हुआ है, a cos log x प्लस b sin log x, तो शो करना है कि ये समथिंग क्या हो जाएंगे, जीरो के इक्वल, 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कैसे बनेंगे, तो ये y को है ना, y को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, a cos ऑफ समथिंग, तो cos का डिफ्रेंशिएशन
माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, अगेन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, प्लस बी साइन ऑफ समथिंग, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स के फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करूँ तो याद आएंगे माइनस बाहर में, तो माइनस ए अपॉन एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स, और ये एक्स यहाँ पे आ गया, एक्स एक्स एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स। नाउ फिर से मैं डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये यू और वी पे डिफरेंशिएट होगा, एक्स लूँगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर इसको लूँ डी वाई अपॉन डी एक्स को तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो वन। नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं माइनस ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन एक्स, बी कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होते हैं तो माइनस बी साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन एक्स, माइनस माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स, क्लियर ना, तो या फिर वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग एक्स। ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, एक्चुअली ये मैं वाई ही तो दिए हुए हैं वैल्यू, तो मैं लिखूँगा माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स मल्टीप्लाई कर दूँ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से, सॉरी यहाँ पे एक्स था तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस वाई बचेगा तो इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यही तो प्रूफ करना था। ये तो ये हो गया क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट, तो नोट कर लीजिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ, तो अगर बात करें तो यहाँ मैं दो क्वेश्चन लिया हूँ, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो इसे तो ये लग रहा है कि इस टॉपिक पे एवरी ईयर एक क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से करिए जिसका मैं आंसर लिख दिया, तो चलिए फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं कैसे बनेंगे ये। तो जो भी है ये क्वेश्चन फर्स्ट वो मैं लिख रहा हूँ, एक्स डी एक्स माइनस वाई ई का पावर वाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। नाउ मुझे क्या करना होगा, वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में रखना होगा, एक टर्म को एक तरफ उस तरह से मुझे इसको सेपरेट करना होगा, तो उसके लिए इसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक्स डी एक्स को रहने देता हूँ, ये हो जाएगा उधर तो प्लस में अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। नाउ तो क्या करें अब, एक्स डी एक्स तो है पहले से ही, ये टर्म वाई का टर्म नहीं है तो इसको इधर ले आऊँगा, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई ई का पावर वाई डी वाई, ठीक है। तो अब ये चाहे इंटीग्रेशन का टॉपिक का हो चाहे डिफरेंशिएशन का हो, क्योंकि आप इसमें इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएशन में ही लेके आ गया तो है तो वही चीज़। चलिए नेक्स्ट, तो मैं क्या करूँगा अभी इसके आगे, नेक्स्ट प्रोसेस है कि दोनों बोथ साइड क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, तो इसको इंटीग्रेशन मैं बताया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन में जाकर डिस्कस कर चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन को, तो आपको आते हैं तो ठीक है। तो पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेंगे, t इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर तो dt इक्वल टू
टू एक्स डी एक्स, टू इधर आ जाएंगे, तो डी टी अपॉन टू इक्वल टू एक्स डी एक्स। इसमें वैल्यू पुट करूँ तो एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टू, तो वन बाई टू बाहर निकाल लिया डी टी, वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने थे टी, इसको इंटीग्रेट करूँ तो वन बाई टू लॉग टी, इसमें प्लस कांस्टेंट आएगा, इसमें भी कांस्टेंट आएगा तो मैं बाद में कर लूँगा ना, लॉग टी, टी क्या माने थे तो वैल्यू पुट कर दूँगा वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इसको अब डिफरेंस इंटीग्रेट करते हैं, यू और वी पे ब्रेक होगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको करवा चुका हूँ। तो वाई को अब इस आई लेट पे ब्रेक होते हैं जिसमें अलजेब्रा पहले है और एक्सपोनेंशियल लास्ट में, तो वाई को यू मानेंगे तो वाई रहने दिया, अब ई वाई को डिफरेंस इंटीग्रेट किया वाई के रिस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, वाई को अब इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन ई का पावर वाई को इंटीग्रेट करेंगे, ये था प्रोसेस ठीक है। नाउ इक्वल टू में वाई, इसका इंटीग्रेशन तो वही होते हैं, माइनस वाई का इंटीग्रेशन वन ई का पावर वाई डी वाई, अगेन मैं करूं तो वाई ई का पावर वाई माइनस इसका इंटीग्रेशन वही रह जाएंगे ठीक है, प्लस सी, यहाँ से कुछ कांस्टेंट आ गया, यहाँ से कांस्टेंट आ गया, सबको एक तरफ कर दिया तो सी कांस्टेंट आ गए होंगे। चलिए अब जो वैल्यू दिया हुआ है तो वाई इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे है ना वाई इक्वल टू वन वेन एक्स इक्वल टू जीरो, वो वैल्यू पुट करूँगा किस लिए, सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो वाई का वैल्यू कितना है वन, तो यहाँ पे लिखूँगा वन ई का पावर वन, यहाँ भी e का पावर वन प्लस सी, ये हो जाएगा वन बाई टू लॉग, x का वैल्यू जीरो तो लॉग वन, तो यही आ गया। कहीं मिस्टेक है क्या, देखते हैं एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गए। हाँ यहाँ पे अंडर रूट था तो मैं अंडर रूट लेना ही भूल गया, इसे तो भाई कॉन्सेप्ट ही अलग हो गए होंगे। अब वन बाई रूट टू रूट टी का इंटीग्रेशन कुछ और होता है, वन बाई टी का लॉग टी, तो मैं लॉग टी पे लेके चला गया था। अगर ऐसा भी होता क्वेश्चन वन बाई एक्स स्क्वायर, तो चलिए दोनों डिस्कस कर देते हैं। मान लीजिए कि ये अंडर रूट ना रहता क्वेश्चन में, तो मैं दोनों बता देता हूँ, यहाँ पे बिना अंडर रूट का करवा देता हूँ और यहाँ पर यहाँ से डिस्कस कर देता आगे, इसके आगे वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट टी, एक्चुअली में तो था क्वेश्चन के अनुसार रूट टी ही रहेंगे इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन तो सेम वही चीज़ होगा जो यहाँ पे आया है, तो क्या है वाई ई का पावर वाई माइनस ई का पावर वाई प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन होगा वन बाई टू रूट टी, वन बाई रूट टी का क्या होता है इंटीग्रेशन टू रूट टी इक्वल टू वाई ई का पावर वाई कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए या फिर रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी रूट टी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, टू टू तो कैंसिल हो गया, रूट टी क्या जूम किए थे वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ वाई ई का पावर वाई माइनस ई का पावर वाई प्लस सी, अब वैल्यू पुट करेंगे एक्स का वैल्यू क्या था जीरो, तो वन का अंडर रूट वन, यहाँ से कैंसिल हो गया तो जीरो हो गया, तो सी का वैल्यू क्या आ गया वन आ गया, तो अब कौन से सॉल्यूशन में डालूँ मैं, तो वो जो सॉल्यूशन लेना होगा इसी में, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू e का पावर y कॉमन ले लूँ तो y माइनस वन, और c का वैल्यू कितना आ गया वन, ये आंसर आ गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लेकिन यदि मैं यहाँ पे रूट ना लेके रूट ना लिया तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे सही थे, तो log t ये आ जा गया, ये और ये कैंसिल, तो log वन का वैल्यू क्या होता है, तो ये लिखना log वन का वैल्यू तो लिखिए, नहीं तो फिर log वन ऐसे ही रहने दीजिए, अब c का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे,
तो क्या आ जाएगा, 1 बाई टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई ई का पावर वाई माइनस ई का पावर वाई प्लस 1 बाई टू लॉग 1, कुछ भी थे नहीं। चलिए तो ये थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण दो कॉन्सेप्ट का तो भाई हो गया, कुछ भी हो जाए उसे क्या प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो फिफ्थ दो पार्ट था तो इसको खुद से कर लीजिएगा आप, डू योर सेल्फ। जैसे ये प्रोसेस बताया मैं, उसी प्रोसेस से इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएंगे। नो नोट कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करना, ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे सॉल्व करें, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में ले आना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग। जब भी सॉल्व करने का हो प्रोसेस वही है, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे अज्यूम करना होगा आपको क्या, तो जैसे ये वाई अपॉन एक्स है उसको भी अज्यूम कर लेते हैं, और ऐसा अज्यूम करने से प्रोसेस है, अब इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँ या फिर y इक्वल टू एक्स भी लिख देते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स रहने देंगे, v का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये होगा, v को ले लेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1। ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे ना, अब ये वैल्यू वहाँ पुट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वल टू, अब वाई अपॉन एक्स क्या लिए थे, वी, तो वी भी पुट करूँगा, वाई कॉस वी प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वी। अब ये प्लस वी को उधर ट्रांसफ़र करूँ मैं, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स वाई कॉस वी प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वी। ये वी को उधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस वी, एलसीएम लेकर सॉल्व करूँ तो वाई कॉस वी प्लस यहाँ पे क्या था एक्स था माइनस वी एक्स भी, तो कहीं मिस्टेक हो गया क्या, एक मिनट देखते हैं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, वी एक्स इंटू कॉस वी अपॉन एक्स कॉस वी, क्लियर। अब क्या करूं, तो अब वी एक्स है, वी एक्स के टर्म में ले आए हैं, तो वाई वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से वाई इक्वल टू एक्स भी है ना, तो ये वाई की जगह एक्स भी पुट कर दूं, एक्स भी कॉस भी प्लस एक्स माइनस वी एक्स कॉस भी अपॉन एक्स कॉस भी, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और ये इसको इसको करेंगे तो एक्स एक्स भी कैंसिल आउट हो गया, तो मिला क्या, वन अपॉन कॉस भी किसके इक्वल, तो एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, नाउ मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन कॉस भी, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करिए, डी एक्स को उधर लेके चला जाऊँ और एक्स डिवाइड में चले जाएंगे, तो डी एक्स अपॉन एक्स कॉस भी इधर चला गया तो कॉस भी अप इंटू डी वी, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे मैं, तो कॉस भी का इंटीग्रेशन साइन भी, यहाँ समथिंग कॉन्स्टेंट इसमें भी कॉन्स्टेंट, तो सब एक तरफ लिख दूँगा, इसका लॉग एक्स प्लस सी, भी क्या जूम किए थे वाई अपॉन एक्स, तो मैं लिखूँगा साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गए, ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट में टोटल 5 ही क्वेश्चन करवाया हूँ मैं आप लोग को, क्वेश्चन फर्स्ट कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, मैथ सही से लगा नहीं था तो उसको हटाना ही पड़ेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।